नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज कन्वर्जन मतलब अमान परिवर्तन अपडेट के बारे में, जो कि अब पूरा होने वाला है क्योंकि यहां पर अपने आखिरी चरण का जो है काम को किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और साथ में लोगों की ट्रेनों की जो सौगात है जो कि काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, लगभग काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और काफ़ी लेट यहाँ पर जो है अमान परिवर्तन जो है पूरा किया जा रहा है। हालांकि CRF की डेट भी जो है निकाली जा चुकी है, इसलिए उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है कि मई के महीने से ही यहाँ पर ट्रेनों के परिचालन को जो है हरी झंडी रेलवे की तरफ से मिल जाएगी। इसमें से काफ़ी सारी ट्रेनें, लेकिन ट्रेनें जानने से पहले दोस्तों हम रूट की वर्तमान कंडीशन जान लेते हैं, आखिरकार रूट पर मौजूदा समय में क्या चल रहा है, क्योंकि CRF के जो डेट है ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च के महीने में 3 और 4 मार्च को जो है डूंगरपुर से लेकर जयसंबंध का जो है CRS इन्फेक्शन जो है किया जाने वाला है। साथ में डूंगरपुर से लेकर खरवा तक का जो इन्फेक्शन है वह होने वाला है 29 मार्च को, मतलब पूरे मार्च के महीने में जो है CRS इन्फेक्शन जो है इस रूट का किया जाएगा, जो कि अहमदाबाद उदयपुर रूट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कुछ स्टेशनों के अपडेट जानते हैं कि आखिरकार वह कौन सी लाइन वाले स्टेशन है, कितने परसेंट तक का वहाँ पर जो है काम पूरा किया जा चुका है, क्योंकि अभी जो है CRS को ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है तो काम की परसेंट जानना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या आखिरकार काम चल रहा है। जिसमें हम कोटाना रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो कोटाना रेलवे स्टेशन जो है सिंगल ट्रैक लाइन रेलवे स्टेशन है। प्रोग्रेस वर्क की बात कर जाए तो 70% तक का वर्क जो है यहाँ पर भी पूरा किया जा चुका है। उसके अलावा ऋषभदेव रोड, यह भी एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 3 ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन जो है इसको बनाया गया है। साथ में प्रोग्रेस जो है काफ़ी बढ़िया है, 80% तक का वर्क जो है यहाँ पर भी पूरा कर लिया गया है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इन रोड का CRS तो पहले ही हो चुका है, बट इनका जो परसेंट ऑफ रेट जो मतलब प्रोग्रेस वर्क है वो कम क्यों है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा काम बचा हुआ था, सिर्फ यहाँ पर जो है CRS इन्फेक्शन जो है कर लिया गया था, बट काफ़ी सारा काम जो बचा हुआ था जिसको अब पूरा किया जा रहा है। उसके अलावा कुंडलगढ़ रेलवे स्टेशन में जो कि सिंगल ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 65% तक का वर्क जो है रेलवे अधिकारियों के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। उसके अलावा सेमारी की बात करते हैं, सेमारी जो है काफ़ी बढ़िया है, 3 ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन इसको बनाया गया है और 80% तक का वर्क यहाँ पर भी रेलवे अधिकारियों के द्वारा पूरा किया जा चुका है। उसके अलावा हम 5वें नंबर पर बात करते हैं सुरखंड का खेरा रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि 90% तक का वर्क यहाँ पर भी पूरा हो चुका है और यह जो रेलवे स्टेशन है सिंगल ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा 6वें नंबर पर बात करते हैं जयसंबंध रोड रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 3 ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 70% तक का वर्क जो है पूरा हो चुका है। 7वें नंबर पर जो स्टेशन आता है वह पडला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर सिंगल ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 90% तक वर्क जो है पूरा भी हो चुका है। काफ़ी प्रोग्रेस है इस स्टेशन में पडला में। साथ में जवार की बात करते हैं, जहाँ पर अभी भी 60% तक की वर्क कम्प्लीट हुआ है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पुराने वीडियोस में भी जहाँ पर जवार का जो परसेंट ऑफ वैल्यू है रेट, वहाँ पर 60% हर बार मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस रोड पर जो है टनल बनाए जा रहे हैं। हालांकि टनल का काम जो है पूरा हो चुका है, बट जो है काफ़ी हिली एरिया है और इसी वजह से यहाँ पर जो है काम की गति काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बट इसको भी जो है अब जो है हालाँकि जब CRS इन्फेक्शन की डेट निकाली जा चुकी है तो इसको भी जो है तेज़ गति से रेलवे यहाँ पर पूरा करेगा। और आने वाले समय में आपको जो है काफ़ी सारे ट्रेनें जो है स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसमें उदयपुर से माता वैष्णो देवी धाम के लिए एक नई ट्रेन, जिसका प्रपोजल बहुत ही पहले भेजा गया था, हालांकि स्टार्ट भी किया गया था यह ट्रेन, बट यात्रियों की कमी से यह ट्रेन को बंद कर दिया गया था। हालांकि यह ट्रेन जो है पुनः से स्टार्ट की जाएगी। उसके अलावा उदयपुर से मुंबई वीकली ट्रेन, उसके अलावा साथ में अहमदाबाद से मुंबई, डूंगरपुर से मुंबई, यह जो ट्रेनें हैं काफ़ी सारी जो ट्रेनें स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों मुंबई, हरिद्वार, महुआ, उसके अलावा फिर माता वैष्णो देवी धाम, अजमेर, जयपुर, सभी जगह के लिए जो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है इस अहमदाबाद उदयपुर रूट पर। तो आई होप दोस्तों आपको प्रोग्रेस पता चल गया होगा कि क्या मौजूदा समय प्रोग्रेस चल रहा है। प्रोग्रेस जो है फरवरी मंथ तक जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि मार्च के महीने में यहाँ इस रूट पर जो है CRS होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।